अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा इंतज़ार रहा होगा और मुझे भी आप लोगों का बेहद इंतज़ार रहा है। तो बिना किसी ताखीर के शुरू करते हैं आज का व्लॉग, जो कि बनाया जा रहा है जानी एबटाबाद में। अस्सलाम वालेकुम भाइयों और भाइयों, क्योंकि मैंने अपना यूट्यूब स्टूडियो में चेक किया, सिर्फ मर्द हज़रात ही देखते हैं। पता नहीं क्या चक्कर है, सारे मर्दाना डिपार्टमेंट मेरा यहाँ ब्लॉग में आ जाता है, जनानियाँ क्यों नहीं आती? अच्छा, ये जो मेरे हाथ में फ़ोन है ना, ये मेरी नानों का फ़ोन है और ये मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आवाज़ नहीं सही आनी थी। छत पे बैठा हूँ ना, छत भी एबटाबाद की। ऐ कभी आए हो? नहीं आए ना, यही तो मसला हुआ। ऐसे है कि यार, मेरा था प्लान ट्रैवल व्लॉग बनाने का, पर उसके लिए ना यार अच्छे वो इक्विपमेंट होने चाहिए, अच्छा कैमरा होना चाहिए, फ़ोन कैमरा भी चलेगा, कोई आईफोन वगैरह का होना सेक्सी सा कैमरा, फिर हो जाता काम। अभी यहाँ आपको पता है एबटाबाद में कहाँ पे वो मज़ेदार वाला मॉल दे सकते हैं ना, तो चस आ जानी थी। बट कैमरा की अनअवेलेबिलिटी, अगर ये कोई वर्ड है, तो होने की वजह से आपके भाई को सिंपल सी चबड़ चबड़ करके व्लॉग बनाना पड़ रहा है। और ये व्लॉग सिर्फ इसलिए बन रहा है क्योंकि मैंने बहुत दिनों से अपलोड नहीं किया और मुझे लग रहा है कि जो मुझे मसा मसा 120 सब्सक्राइबर मिले हैं वो भी कहीं अनसब ना कर जाएं, सी मजबूरियां। तो आते हैं मुद्दे की बात पे। यार अब ऐसे है कि भाई आपका रह रहा है एबटाबाद में, पिछले ईद के दिन आ गया था मैं 24 मई को और आज 2 जून हो गई है। तो ऐसे है कि आपको पता है एबटाबाद तो लाहौर के बाद एक ही शहर है, वो एबटाबाद है, जान है अपनी, बहुत अजीज़, बहुत ही मज़े करा रहा है ये शहर। और भाई आपका रात को सो जाता है 10 बजे, सुबह 5 साढ़े 5 उठ के बैठ जाता है, पता नहीं क्या चक्कर है, जहनी मसला हो गया मुझे, रोटी भी कम खा रहा हूँ, देख नहीं रहे कितना पतला हो गया मैं। अच्छा सॉरी, तो बंदा आ जाए ना तो माहौल तो बेतहाशा होता है, पर एक चीज़ की किल्लत है, और किल्लत है हमारे पास अच्छे कैमरे की। चेक कर रहे हो भाई किस तरह अपनी मसाइल साथ साथ बताई जा रहा है कि मेरे घर वाले देख लें और मुझे एकदम से एक अच्छा कैमरा लेके दे दें, या फिर नेट का कनेक्शन उतरवा दें क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ओवर हो चुका हूँ, कुछ कह नहीं सकते। बच्चे एबटाबाद की छतों पर इस वक्त पतंगे उड़ा रहे हैं, हालांकि लाहौर की छत में अगर ऐसा कुछ किया जा रहा होता तो अभी तक बच्चे थाने में पाए जाते। एबटाबाद की अच्छी चीज़ों में से एक अच्छी चीज़ है यहाँ का सुकून, बहुत ही पुरसकून इलाका है, मेरे जैसे बंदे का भी नमाज पढ़ने का दिल करने लग जाता। दूसरी अच्छी बात है यहाँ के लोग माशाल्लाह से, एबटाबाद का लिटरेसी रेट 90% प्लस है, मेरे भाई के मुताबिक तो 99% है, पर मैं कुछ कह नहीं सकता, गूगल किया नहीं मैंने, पर 90% प्लस लिटरेसी रेट है इन लोगों का। क्रिकेट की शिद्दत यहाँ पे भी उसी नौयत की पाई जाती है, पर यहाँ पे फैसिलिटीज़ की कमी होने की वजह से बच्चे सिर्फ इंडोर क्रिकेट पे ही ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं, और इंडोर भी ट्रफ वाली नहीं, इंडोर घर वाली, घर वाली खेली है कभी? किसने नहीं खेली।
अब ऐसे है कि यार इस जगह में ना एक अपनाइयत है, ये डूबता सूरज जो शाम 6:30 से 7:15 तक के वक्त में डूबता है, और ये लोग जो ये छोटी बच्ची चीखे मार रही है, और हम लोग जो कि खुश हैं जिंदगी से, पर क्या हम वाकई खुश हैं? जानते हैं इस ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम हाजिर हो गए हैं ब्रेक के फौरन बाद, और अगर किसी ने स्पॉन्सर किया होता तो उनका एड में जरूर चलाता। देख रहे हो टक पीक फ्रेंड्स बिस्कोनी वालों, कर दो भाई को स्पॉन्सर, जो ने जो भी 5,000 सब्स के बाद तो हो गया था नोकिया से, हैं मेरे भी 120 हो गए सब्स, सब्सक्राइबर्स, यू नो सब्सक्राइबर्स, सब्सक्राइबर डांस बनता है यहाँ पे आमिर? नहीं बनता। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो यार एबटाबाद के बारे में मैं कोई अच्छा व्लॉग तो बना नहीं पाऊंगा, ये बात तो मुझे कंफर्म है, पर फिर भी मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि यार एबटाबाद में चसे हैं। मेरे सारे करीबी दोस्त जो ये व्लॉग देख रहे हैं, वो लोग अगर कभी आना चाहते हैं यहाँ पे और हमारे घर स्टे करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, यहाँ के होटल बहुत अच्छे हैं। सी वार डेट दे। तो यार मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे आज हो गया है 1 हफ्ता पूरा, और यहाँ पे मैं आया था ईद मनाने, और ईद मनाने, समझ रहे हो, ईद मनाने, ईद मनाने आया था मैं इधर। हमें पॉज कर, पैसे गिर गए हैं। पैसा। हाँ तो बात करते हैं आगे की। ऐसे है कि यार मेरा बहुत दिल था यहाँ पे ट्रैवल लॉग बनाने का, पर ट्रैवल लॉग इसे नहीं बन सका क्योंकि पहली चीज़, हाँ वो कैमरे वाली बात फिर से आ गई है, गुर्बत मेरी सामने आ जाती है मौके मौके पे। पर यार ऐसे भी है कि मैं अभी उस तरह का ना वीडियो नहीं बना सकता, वो वाले अभी भाई के पास ना स्किल्स नहीं आए, पर जैसे ही आएंगे इंशाल्लाह पहला ट्रैवल लॉग आपका भाई आपको एबटाबाद का ही बना के देगा। तो बातें बस इतनी सी थी, मैं तो ये वीडियो इस बेस पे बनाई है कि मैंने काफ़ी अरसे से ना पोस्ट नहीं की, और दूसरा टैंकी भी भर गई है और उससे पानी गिर रहा है। व्लॉग यहीं पे समाप्त करना होगा, क्या कहते हैं, कर दिया जाए इख्तिताम इसका यहाँ पे? जी हाँ। तो ये हामिद भाई की आवाज़ बुलंद, और करते हैं आज के व्लॉग का इख्तिताम। शब बख़ैर, रब रखा।